फिल्मों में हेमा मालिनी को छूने के लिए धर्मेंद्र कैमरामैन को देते थे रिश्वत। शुरुआत में धर्मेंद्र और हेमा के रोमांस की खबरों से हेमा की मां जया चक्रवर्ती काफी खफा थी और वो हेमा पर कड़ी नजर रखती थी। फिल्म के सेट पर भी जया चक्रवर्ती मौजूद रहती थी, खासकर जब हेमा की शूटिंग धर्मेंद्र के साथ हो तो उनकी पहरेदारी और बढ़ जाती थी। लेकिन जया चक्रवर्ती हेमा को धर्मेंद्र से दूर रखने की जितनी कोशिशें करती, धर्मेंद्र उतनी ही नई तरकीबें निकाल लेते। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से वैसे भी न शूटिंग के बाद बाहर कहीं नहीं मिल पाते थे। डंडा, अब शूटिंग के दौरान भी उनका हेमा से मिलना जुलना बंद हो गया था। धर्मेंद्र और हेमा एक तरह के पहरे के बीच शूटिंग करते। तंग आकर धर्मेंद्र ने इसका एक नया तोड़ निकाला। जिन जिन फिल्मों में वे हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते, उन फिल्मों के कैमरामैन को वह बटा लेते। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रिटेक बार बार हो, इसके लिए वह कैमरामैन से कह देते कि उसे उस शॉट को एक बार में ओके नहीं करना। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई और वजह बता देता। धर्मेंद्र ने इसका भी एक कोड वर्ड ईजाद कर लिया था। जब सीन को रिटेक कराना होता तो वह हौले से अपना कान छू लेते। इसी तरह जब उन्हें सीन को ओके करना होता, वे अपनी नाक को सहलाते। बताते हैं कि धर्मेंद्र को एक सीन को दोबारा रीटेक करवाने के लिए कैमरामैन को 100 रुपए की घूस प्रति सीन के हिसाब देनी होती। यानी कि यदि सीन 5 बार शूट हुआ है तो धर्मेंद्र कैमरामैन को 500 रुपए चुकाते। धर्मेंद्र यह सब खुशी खुशी कर रहे थे। शोले फिल्म में जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पेड़ से आम तोड़ने वाला सीन सिखा रहे होते हैं तो उन्होंने उस सीन को 10 से अधिक बार रीटेक कराया। हेमा धर्मेंद्र की यह शरारत समझती थी और वे चुपचाप बिना कुछ कहे बार बार शॉट दिए जाती थी। हेमा की माँ या नानी, जो की शूटिंग कई दफा होते हुए भी अपनी आंख के सामने यह सब देखने के लिए बाध्य होते, और धर्मेंद्र सबकी आंखों के सामने ही हेमा से रोमांस कर लेते। जया चक्रवर्ती की लाख पहरेदारी के बावजूद हेमा और धर्मेंद्र का प्यार परवान चढ़ ही गया और एक दिन दोनों ने शादी कर ही ली।